आज के इस मंच के मुख्य अतिथि एवं मंच में बैठे हुए सभी मेरे सम्माननीय अतिथिगण, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए बहुजन आंदोलन के मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, बुद्धिजीवी साथियों, माताओं बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, साथियों, सबसे पहले मैं श्री संदीप केसकर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने के लिए आमंत्रित किया। और मैं छत्तीसगढ़ से चल करके आज आप लोगों के बीच में यहां पर आया हूं। बहुजन आंदोलन से लगभग मैं अपनी 22 साल के ऊपर से जुड़ा हुआ हूं। अभी आपके सामने सम्माननीय फूले साहब ने अपनी बात कही। जब मैं 1980 में बीए फाइनल का स्टूडेंट था तो पहली बार फूले जी ने मुझे बहुजन के बारे में बताया, फूले अंबेडकर के बारे में बताया। और जब पहली बार वो मुझे दिल्ली लेकर के आए, जब बाम सेल का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन यहां चल रहा था, तो 1980 में जल्दी साहब को भी देखने का मुझे मौका मिला। आज से 38 साल पहले मैंने जल्दी साहब को देखा था। और फिर 1986 के बाद आज दूसरी बार उनसे मेरी मुलाकात हो रही है। शायद वो हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, बहुजन आंदोलन के बारे में ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जैसे कि अभी माननीय फूले जी ने बताया, ये बहुजन आंदोलन कोई आज का नया आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन तो हजारों साल से इस देश के अंदर में चल रहा है। इस देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आंदोलन है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हजारों साल चलने के बाद ये आंदोलन आज तारीख तक सफल नहीं हो पाया। अगर ये न सफल नहीं हो पाया तो क्या वजह है, क्या कारण है? मैं जहां तक समझता हूं आज के इस मौके के ऊपर में हमें उस कारण के ऊपर भी विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है। बुद्ध ने चलाया, बुद्ध के बाद में फिर यह आंदोलन धीमी पड़ गई। बाद में कबीर साहब ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और भी संत गुरुओं ने बढ़ाया। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो क्रांतिकारी जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो महात्मा ज्योतिराव फूले जी के जमाने में हुई। मेरे दोस्तों, देश में जब जब आंदोलन चलता है तब तब परिवर्तन भी होता है। और जैसे ही आंदोलन का दौर थम जाता है तो परिवर्तन का सिलसिला भी बंद हो जाता है। आज हम चाहते हैं परिवर्तन, हम नारा लगाते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तन के लिए, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए। लेकिन ये परिवर्तन आता कैसे और आएगा कैसे? देश के अंदर में जब जब भी कोई आंदोलन चला है तब तब परिवर्तन हुआ है। और देश में जब अमूलचूल परिवर्तन हुआ वो 18
साथियों 1890 के बाद फिर क्या हुआ? शायद आपको मालूम होगा, महात्मा ज्योतिराव फुले जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मरने से पहले 2 घंटा पहले महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने अपने सत्य शोधक समाज के और अपने परिवार के सारे लोगों को बुला करके उन्होंने मीटिंग लिया और मीटिंग लेकर के महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा ये जो आंदोलन है, मेरा ये जो कारवा है, मेरा जो मिशन है, ये रुकना नहीं चाहिए। ये जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही मंदिर तक पहुंचना चाहिए। और अगर मेरे परिवार के लोग, चाहे वो मेरी बीवी हो, चाहे वो मेरे बच्चे यशवंतराव हो, अगर इस आंदोलन को जैसा मैं चाहता हूं वैसा ये आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं तो मेरी प्रॉपर्टी का एक नया पैसा भी मेरे परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिलना चाहिए। मेरी पूरी प्रॉपर्टी सत्य शोधक समाज के लिए समर्पित, ये महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उस समय कहा। और फिर 2 घंटे बाद वो दुनिया से चल बसे। मेरे दोस्तों, महात्मा ज्योतिराव फुले जी के दुनिया से जाने के बाद ये आंदोलन रुका नहीं। इस आंदोलन को उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी, उनका बेटा यशवंतराव जी, इसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन इसको और गति मिली। 1892 के बाद इस आंदोलन को और तेज गति से देश के अंदर में बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो छत्रपति साहू महाराज ने किया। छत्रपति साहू महाराज ने 1892 से लेकर के 1922 तक इस आंदोलन को गति दिया और वैसा ही गति दिया जैसा महात्मा ज्योतिराव फुले जी चाहते। लेकिन साथियों, 1922 में महाछत्रपति साहू महाराज की दुनिया से चल बसे। जब 1922 में छत्रपति साहू महाराज भी जब दुनिया से चल बसे, उनके जाने के बाद ये आंदोलन रुका नहीं, इसको और गति मिली। और इसको गति देने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको गति देने का काम किया। और 1922 से लेकर के 1956 तक जैसा फुले जी चाहते थे, जैसा अंबेडकर जी चाहते, जैसा छत्रपति साहू महाराज जी चाहते थे, जैसा वो चाहते थे वैसा ही इस आंदोलन को, इस देश के अंदर में गति देने का काम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। मेरे दोस्तों, जब सब आंदोलन चला उस आंदोलन के कारण ही देश में परिवर्तन आया है। लेकिन 1956 में बाबा साहेब अंबेडकर की दुनिया से चल बसे। जब 1956 में बाबा साहेब अंबेडकर दुनिया से चल बसे तो बाबा साहेब अंबेडकर भी दुनिया से जाने से पहले वो सोचते थे कि मेरे मरने के बाद मेरा कारवा रुकना नहीं चाहिए। और उन्होंने अपना संदेश दिया समाज को कि मैंने बड़ी मुश्किल और मुसीबत से अपनी जान की बाजी लगाकर, झंझावातों की तरह हृदय विदारक दुख तकलीफ अपमान को सहकर मैंने इस कारवा को यहां तक लाया है। अगर इस कारवा को आप कोई आगे ले जा नहीं सकेगा तो ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़कर करवत प्रार्थना है कि इस आंदोलन को वो पीछे भी नहीं जाने देंगे। ये जहां है वही रहने देना। आने वाले समय में कोई ना कोई आएगा और फिर वो इसको आगे ले जाने का काम करेगा। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का सोचना सपना था। परिणाम क्या निकला? बाबा साहेब अंबेडकर के जाने के बाद जो उनके लेफ्टिनेंट थे, जिनके ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर ने सपना देखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे कारवा को यह आगे ले जाने का काम करेंगे, लेकिन हुआ क्या? शायद आपको मालूम होगा, 1966 में आदि भंडारी, जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का एक सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट था, वो बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन को छोड़कर के गांधी के मिशन में चल पड़ा। 1971 में आप लोगों ने सुना होगा, जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लेफ्टिनेंट के रूप में जो बीबी मौर्या था, वो बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन को छोड़कर के गया
अंबेडकर के मिशन को छोड़कर के बापू के मिशन को चलाने में लग गए, तब कहीं 1964 से ही एक और ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष हमारे बीच में आया, माननीय कांशीराम जी। और माननीय कांशीराम जी ने उस आंदोलन को फिर से जैसा पूरे चाहते थे, जैसा साहू जी चाहते थे, जैसे बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, वैसा ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मेरे दोस्तों, 2003 में वो बीमार पड़ गए, 2006 में दुनिया से चले बसे, और आज 2006 से दुनिया से जाने के बाद आज इस मिशन पे क्या हो रहा है, आज इस आंदोलन का क्या हो रहा है, तो आज हम देख रहे हैं देश के अंदर में आज अंबेडकर के नाम पर आंदोलन चलाने वाले, संगठन बनाने वाले आज कोई पहला आम संगठन पैगाम नहीं है। अभी आप खुद ही आकर के बोल के चले गए, उन्होंने कहा कि भाई संगठन तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई एक दूसरे मंच में आना पसंद नहीं करते। मेरे दोस्तों, हम भी एक संगठन चलाते हैं, हमने भी एक संगठन बनाया है, वो भी नेशनल लेवल का, बहुजन सोशल फाउंडेशन के नाम से, लेकिन हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है। आपने अपने मंच में बुलाया, हमने आपके मंच में आया, हमें आपके इस मंच से कोई तकलीफ नहीं है, कोई परहेज नहीं है, ना हम आपका कोई विरोधी है। अगर हम इस देश के अंदर में विरोधी है तो सिर्फ ब्राह्मणवाद के विरोधी है, और जब तक जिंदा रहेंगे अपने आखिरी सांस तक ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक बात कहना है कि आज इस देश के अंदर में संगठन जो 42,000 रजिस्टर्ड है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के नाम पर 42,000 संगठन, सामाजिक संगठन रजिस्टर्ड है, लेकिन 42,000 संगठन होने के बावजूद आज लगभग इस देश के अंदर में कुल आबादी की बात करते हैं 125 करोड़, 130 करोड़ लगभग आबादी इस देश के अंदर में है, जिसमें 15% अपर कास्ट के लोग हैं। अगर उन 15% को हम लोग निकाल गए तो पर भी कम से कम 106-107 करोड़ लोग आज हम बहुजन समाज के इस देश के अंदर में निवास करते हैं, जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, माइनोरिटीज कहते हैं, लेकिन इन्हीं सबको मिलाकर ये बहुजन समाज कहलाता है। और इन बहुजन समाज के लोगों की एक समान समस्या है, लेकिन एक समान समस्या वाले लोग आज 42,000 संगठनों में बटे हुए हैं। और बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि भाई राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए, ये सब राजनीति कर रहे हैं। और बाद में सब लोग यही भाषण देते हैं कि पॉलिटिकल इज ए मास्टर की, राजनीति एक मास्टर चाबी है, बाबा साहेब ने कहा है पॉलिटिकल पावर को हमें गेन करना है। दो तरह की बातें क्यों करते हो, एक तरफ तो पॉलिटिकल पावर को मास्टर की बताते हो और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स से दूर रहने की बात करते हो। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर में लगभग 2500 पॉलिटिकल पार्टी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के लोगों का, आज 2500 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी आज इस देश के अंदर में है। आखिर समाज किसके पीछे जाए, किसके पीछे जाए, किस पॉलिटिकल पावर को आप आगे ले जाना चाहते हैं, किसके लिए काम करना चाहते हैं, या करें तो करें किसके लिए, आखिर आप करेंगे क्या। सामाजिक संगठन बना करके भी एक नए पॉलिटिकल पावर को तो आपको वोट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 100 मिनट में आपका समय दूंगा, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, अंतिम निष्कर्ष की ओर मैं आप पॉलिटिकल पावर के बारे में मैं आपसे एक बात थोड़ा सा और भी करना चाहूंगा। जब संविधान सभा में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान तैयार होने के बाद जब संविधान को सौंपने का वक्त आया, तो एक बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को सौंपते समय कहा था, क्या कहा था, कि ये 26 जनवरी 1950 से ये संविधान जब लागू होगा तो इस देश के अंदर में एक आदमी को एक वोट का अधिकार होगा, एक वोट का एक कीमत भी होगा, लेकिन इस देश में तो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है, इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के कारण एक आदमी का एक मूल्य नहीं रहेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी
सामाजिक और आर्थिक गड़बड़ी को समाप्त नहीं किया तो जो इसके शिकार लोग हैं, जो हमने प्रजातंत्र का ढांचा तैयार किया है, इस प्रजातंत्र के ढांचा को ध्वस्त कर देंगे। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, देश के संविधान लागू हुआ 1950 में और 1950 से लेकर के आज हम 2018 में है, लगभग 68 साल हो गया, इस देश के प्रजातंत्र को कहीं कोई खर्च क्यों नहीं आया? आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, आज हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। अरे बाबा साहब ने मुझे कहा, जिस समाज में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर हो जाए, उस समाज की तरफ कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। यहाँ तो चीफ जस्टिस बैठा है, यहाँ तो ना जाने कितने सारे जस्टिस बैठे हैं, आईएएस भी बैठा है, आईपीएस भी बैठा है, इंजीनियर भी बैठा है, डॉक्टर भी बैठा है। फिर आप गीत गाते हो उंगली की घटना का, गीत गाते हो कोरोना की घटना का। अरे दोस्तों सोचो, विचार करो, कब तक आप इस तरह से बैठे रहोगे? इस देश के प्रजातंत्र को उखाड़ कर फेंकने की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्या किया आपने? इसका कारण कभी समझा? इसका कारण तो यह है दोस्तों, क्योंकि हमारे समाज में जमजों की फौज खड़ी हो गई है, क्योंकि जो जुल्म करने वाला जालिम शासक वर्ग के लोगों ने चमचों की फसल उगा दिया है, और आगे चमचों की कतार इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ लाइन लगाते खड़े हैं सिर्फ टिकट के लिए। हर कोई चाहता है मैं एमएलए बन जाऊं, हर कोई चाहता है मैं एमपी बन जाऊं, थोड़ा सा कुत्ता पजामा क्या लगा लिया फिर नेता बन गया, थोड़ा सा क्या बोलना आ गया नेता बन गया। अरे मेरे दोस्तों, हमारे जैसे आदमी तीन तीन बार विधानसभा से घूम के आ चुके हैं, आपके सामने खड़े हैं, लेकिन आज हमारे अंदर में ये मनसूबा नहीं है कि हमें एमपी बनना है, हमें एमएलए बनना है, क्योंकि इस देश के अंदर में ऐसे एमपी एमएलए की कमी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर में, विधानसभा के अंदर में अनेकों एमपी एमएलए बैठे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारे समाज की आवाज नहीं उठ पाती? कभी आपने विचार किया? क्योंकि दोस्तों इस देश के अंदर में हमारा स्वतंत्र लीडरशिप को समाप्त कर दिया गया है, और जब तक स्वतंत्र लीडरशिप पैदा नहीं करोगे, किसी को भी एमपी एमएलए बनाने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए क्या हमने ऐसे स्वतंत्र लीडरशिप को पैदा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया, कोई पाठशाला आपने तैयार किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर फुले पेरियर के खिलाफ 1919 में जब आरएसएस खड़ा हुआ, और वो आरएसएस ब्राह्मणवाद को जिंदा करने के लिए, अंबेडकरवाद को मिटाने के लिए जब इस देश के अंदर में काम करता है, और वहां से ऐसा संस्कार पैदा करके लीडरशिप पैदा करता है, और वो लीडरशिप आज देश को चलाता है, आपके पास ऐसा कौन सा संघ है, कौन सा संगठन है? आपके पास कोई संघ नहीं, कोई संगठन नहीं, लेकिन आज इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। आज आपको ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा, आरएसएस के पैरेलल आपको संगठन खड़ा करना पड़ेगा, जो सिर्फ अंबेडकरवाद को महान करने का काम करे और ब्राह्मणवाद को उखाड़ने का काम करे। भले हम अनेकों संगठन के रूप में काम करें, लेकिन जिस तरह से बजरंग दल जैसा उनका जो है दुर्गावाणी है, बजरंग दल है, शिवसेना है, और तमाम सारे धर्म सेना है, ऐसे अनेक संगठन है, लेकिन विजन एक है, एक उद्देश्य के लिए वो काम करते हैं। वैसे चाहे आप पैगाम के माध्यम से करो, चाहे हम बहुजन संसद फाउंडेशन के माध्यम से करें, लेकिन अंबेडकरिज्म के लिए हम सब एक मंच में खड़े हो रहे हैं, और ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकने के लिए हम एक रूप हो जाए। निश्चित रूप से साथियों, आने वाले दिनों में, चंद दिनों में हम ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंक पाएंगे, और निश्चित रूप से बहुजनों की हुकूमत हम स्वतंत्र लीडरशिप पैदा करके ऐसे नेताओं को हम चुन करके पार्लियामेंट में भेज सके, विधानसभा में भेज सके। ऐसे मैं आपसे अपील करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। सभी साथियों को धन्यवाद। अगर कहीं आपका समय ज्यादा ले लिया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं।